टे टू एडिपोरियम क्लासेस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले दो रिमेनिंग पार्ट्स पार्ट फोर और पार्ट फाइव की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए सो टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं मोडाल की या फिर जिनको हम मोडाल वर्ब्स कहते हैं सो मोडाल वर्ब्स होते क्या है कॉमन लैंग्वेज में हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं तो जैसे कि इनका नाम बताता है ये किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ अटैच होते हैं एंड दे टेल यू अबाउट टू थिंग्स मूड ऑफ द स्पीकर एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर लाइक माई वीडियो वु यू माइंड लाइकिंग दिस वीडियो दोनों सेंटेंसेस में अंतर समझ आया वन वॉज वेरी पोलाइट वेरी जेंटल और उसकी जगह जो दूसरा सेंटेंस था उसमें आपको ऐसा लगा जैसे मैं आपको कोई ऑर्डर दे रही हूं कोई कमांड दे रही हूं सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सेंटेंस एंड अ सेंटेंस जिसमें हम एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो इस सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था वुड से ही बहुत सारे मोडाल्स बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूंगी मैं इस वीडियो में डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में मैं आपको ऐसे कूल cool टिप्स दूंगी जिससे ना ही आप एक बेटर इंग्लिश स्पीकर बनेंगे बल्कि यू विल ऑल्सो नोटिस माइंड ब्लोइंग चेंजेस इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स

तीनों मॉडालस को यूज़ करके मैंने आपसे परमिशन ली टू बोरो योर पेन बट वॉट इज द कूल टिप ऑफ द डे मे इज़ अ वेरी फॉर्मल मोडाल इसको हम स्पोकन इंग्लिश में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते लेकिन अगर हमें इंग्लिश राइटिंग की बात करनी है किसी को लेटर लिखना है लेटर में लिख के परमिशन लेनी है तब हम अक्सर मे का यूज़ करते हैं कैन इज़ वेरी इनफॉर्मल वेरी फ्रेंडली दोस्तों से बात करनी है या आपको अपने क्लोज रिलेशन में बात करनी है तब आप कैन का यूज़ करते हो उसके बाद आता है कुड कुड इज वेरी पोलाइट वेरी जेंटल एंड इट इज लेस डायरेक्ट दैन कैन कुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें स्ट्रेंजर से बात करनी है या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको हम बहुत इंटीमेटली बहुत खास जानते नहीं हैं देन कम्स पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी मतलब कोई काम होने की संभावना कि ये काम होगा या नहीं होगा तब हम यूज करते हैं तीन तरह के मॉडल्स मे माइट कुड This handbag may belong to Madhuri's friend. I might visit my grandmother this weekend. This story could be true, I suppose. And here comes the cool tip. May का इस्तेमाल करते हुए आप एक strong, good possibility suggest कर रहे हैं कि ये action पक्का होगा ही होगा, या ये बात सच है। जैसे मैंने बोला, this handbag may belongs to Madhuri's friend. यानी कि आई एम ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन परसेंट श्योर कि ये माधुरी के फ्रेंड का ही हैंड बैग है उसके बाद होता है माइट विथ सजेस्ट अ वीक पॉसिबिलिटी ए आई माइट विजिट माई ग्रैंड मदर दिस वीकेंड मैं हो सकता है जाऊं या हो सकता है ना भी जाऊं और लास्ट होता है हमारा कुड विथ सजेस्ट एक्सट्रीमली वीक पॉसिबिलिटी दिस स्टोरी कुड बी ट्रू आई सपोज तो यानी कि मुझे बिल्कुल भी श्योरिटी है ही नहीं कि ये स्टोरी सच हो सकती है और इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या ऐड किया आई सपोज मुझे लगता है टॉकिंग अबाउट एबिलिटी एबिलिटी का मतलब सम एक्शन कैन बी डन या सम बडी हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग किसी में कोई काम करने की काबिलियत है तो हम बात करेंगे तीन तरह के मोडल्स की कैन कुड एबल टू Pragya can speak German fluently now. Pragya could speak German fluently when she was six years old. Pragya is able to speak German fluently. Did you notice the change? And here comes the cool tip of the day. Talking about can. When we want to express the ability in the present, Pragya can speak German fluently now. Could. कुड हम तब यूज करते हैं जब हमें ये पता है कि कोई एक्शन या कोई एबिलिटी एग्जिस्ट करती थी पास्ट में प्रज्ञा कुड स्पीक जर्मन फ्लुएंटली व्हेन शी वाज सिक्स इयर्स ओल्ड जब वो छः साल की थी एंड देन कम्स एबल टू प्रज्ञा इज एबल टू स्पीक जर्मन फ्लुएंटली नाउ इन दिस सेंटेंस एबल टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्सन की जनरल एबिलिटी बतानी है ये प्रज्ञा हमेशा ही जर्मन बहुत अच्छे से बोल सकती है आई एम श्योर अब तक यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो इंटरेस्टिंग पसंद आई है तो डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल बिकॉज स्प्रेडिंग नॉलेज इज गेनिंग नॉलेज नाउ यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस नेसेसिटी नेसेसिटी मीन्स समथिंग विच इज नेसेसरी टू डू तो हम इस्तेमाल करेंगे हमारे दो यूनिक मोडल्स का विच इज मस्ट have to i am telling you you must exercise daily i have to exercise now what is the change so here comes the cool tip of the day must is used when the speaker insists something yani ki jab bola i am telling you you must exercise daily then i am the speaker in this action or main chati ho ki aap daily exercise ki have to is used when the necessity इज़ फ्रॉम सम वन हु इज़ नॉट द स्पीकर आई हैव टू एक्सरसाइज डेली अब यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए क्यों आप तो नहीं कह रहे मुझे बट मे बी इट इज़ एडवाइज बाय माई डॉक्टर या हो सकता है मेरे योगा एक्सपर्ट ने ऐसा कुछ बोला हो तो इसी लिए आई हैव टू एक्सरसाइज डेली नाउ हेयर कम्स सजेशन एडवाइस एंड इसके लिए हम जो मोडाल्स यूज करने वाले हैं वो होते हैं शुड टू यू डोंट लुक वेल यू शुड सी अ डॉक्टर यू डोंट लुक वेल यू ऑट टू सी अ डॉक्टर सो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सिमिलर साउंड कर रहे हैं देन हाउ टू आइडेंटिफाई कब हमें शुड यूज करना है और कब ऑट टू सो दूल टाइप ऑफ द डेसेस जब आपको किसी को सजेशन या एडवाइस देनी होती है तो जनरली आपके पास तीन मोडल्स का ऑप्शन होता है मस्ट शुड ऑट टू और तीनों को हम किस किस सिचुएशन में कब कब यूज करेंगे यू मस्ट वेयर हेलमेट वैल ड्राइविंग अ टू व्हीलर यहाँ पे जब मैं आपको मस्ट कह के सेंटेंस पे एम्फोसाइज कर रही हूँ इसका मतलब मैं चाह रही हूँ आई वॉन्ट यू टू वेयर अ हेलमेट यू शुड वेयर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर नाउ दिस इज जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन एक एडवाइस है मानना या ना मानना आपके ऊपर है आई एम नॉट इंसिसटिंग यू ऑट टू वेयर अ हैलमेट वेल ड्राइविंग अ टू व्हीलर नाउ हेयर समथिंग साउंडस लाइक एन ऑब्लीगेशन मॉरल ड्यूटी कि अगर आपको फाइन से पेनल्टी से बचना है और अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना है तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट सो हेयर आर द मोडल्स दैट कैन बी यूज कैन कुड विल वुड कैन आई बोरो योर पेन साउंस बैड कुड आई प्लीज बोरो योर पेन विल यू लेंड मी योर बुक साउंड रूड वुड यू प्लीज माइंड इफ यू लेंट मी योर बुक सो वट डिड वी नोटिस जब आपने कैन और विल का यूसेज किया किसी सेंटेंस में टू मेक अ रिक्वेस्ट देन द सेंटेंस वॉज वेरी ब्लंट बहुत ज़्यादा रूट साउंड किया सो इसीलिए कैन और विल आपको सिर्फ तब यूज़ करना है वेन यू आर हैविंग एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप किसी फ्रेंड्स से क्लोज रिलेशन्स में बात कर रहे हैं तो आप आराम से कैन और विल यूज़ कर सकते हैं बट इफ यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स आपको उनसे कोई रिक्वेस्ट करनी है या किसी ऐसे पर्सन से जो आपके साथ एक फॉर्मल रिलेशनशिप में है तब आप कुड या फिर वुड का यूज करते हैं नीड टू मेक अ प्रोमिस देन हेयर आर द विल शाल आई विल मेक ऑल द ट्रेवल अरेंजमेंट्स यू नीड नॉट वरी यू शैल सर्टेनली बी रिवॉर्डेड फॉर योर एफर्ट्स सो द कूल टिप सेज कि जब मुझे अपने बारे में बात करनी है फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं स्पीकरू तब किसी भी तरीके के प्रॉमिस के लिए आई एम गोइंग टू यूज विल आई विल मेक ऑल द ट्रैवल अरेंजमेंट्स फॉर यू डोंट वरी और जब हमें इसी प्रॉमिस की बात करनी है सेकेंड पर्सन के लिए यानी कि यू तब हम इस्तेमाल करते हैं शाल यू शाल सर्टेनली बी रिवॉर्डेड फॉर योर एफर्ट्स वन आ मेक अ विश देन यूज मे मे ऑल योर विशेज कम ट्रू मे यू प्रॉस्पर मे गॉड ब्लेस यू सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोडाल्स वीडियो के शुरू से एंड तक आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू बी कनेक्टेड विद यू एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो लाइक दिस वीडियो डोंट फॉर्गेट टू प्रेस द लाइक बटन कॉमेंट करके मुझे बताएं वॉट आर एग्जैक्टली योर नीड्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश ताकि आई कम अप विद बेटर वीडियोज़ फॉर यू स्टेट्यू इन टू एडियोपोरियम क्लासेस